हेलो स्टूडेंट, एनडीए 2 2019-2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जैसा उम्मीद था कि दिसंबर मिड से लेके दिसंबर एंड तक आ सकता, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सबसे पहले उन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां जिनका इस साल एनडीए 2 क्लियर हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि इम्पीटस ने इस बार और अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अभी तक पूरा रिजल्ट कंपाइल नहीं हुआ, पर आप लोगों के फोन आ रहे थे और आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन था कि कितना कट ऑफ गया, क्या गया, इसलिए मैं सेशन ले रहा हूं। कंप्लीट रिजल्ट कंपाइल करके आपके साथ फिर मिलूंगा, पर अभी तक जो रिजल्ट समझ में आ रहा है 25% के ऊपर पर यहां का बच्चों का रिजल्ट है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप खुद समझ सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास हर जगह के बच्चे जब यहां आए तो हमने ये देखा कि कई सारी जगह पे ऐसी भी है जहां पे हजार हजार बच्चों में एक दो दो बच्चों का हो पाता है, पर यहां पर सबसे खास बात है कि एक छोटा बैच होता है, पर उस छोटे से बैच में भी 25-30% अगर सिलेक्शन हो रहे हैं तो क्या मायने रखते हैं, आप समझ सकते हैं। अब मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा, फिर से ढेर सारी बधाइयां, और अब आगे क्या करना है वो समझिए। और जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है निराश ना हो, एनडीए 2-1 के लिए अगेन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। आप सबको याद होगा मैंने आपसे बोला है कि डिफेंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें रुकना नहीं है, जब तक कि आपका अपना ड्रीम पूरा ना हो जाए, तो आप इमीडिएटली एनडीए 1 की प्रिपरेशन करिए। और एक सिवा एनडीए 1 से आप अब आपका बाई चांस अगर आखिरी अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था, तो सारी चिंताएं छोड़ के सीडीएस पर फोकस करना चालू कर दीजिए, पर रुकना नहीं है। कट ऑफ की बात जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछी जा रही है कि क्या कट ऑफ गया होगा, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा। इनफैक्ट अभी कई बच्चों को तो पता भी नहीं कि रिजल्ट आया, अभी रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट को आप upsc.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही चेक करिए, और चेक करने के वहां पर दो तरीके, एक रोल नंबर से चेक कर सकते हैं और एक नाम से, दोनों से आप क्रॉस चेक कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा है। दूसरी बात कि कट ऑफ कितना गया होगा, आपको याद होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोला 320 से 330, लगभग इतना ही गया होगा, 70 से कम गया हो, 70 थोड़ा हो प्लस माइनस, पर इसी के आसपास गया है। पर कुछ बच्चों ने मुझे जो फोन किए हैं कि 355 या 360 टोटल हो रहा था फिर भी नाम नहीं है, तो ऐसे में ये हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी देखिए। नंबर वन थिंग, एक होता है इंडिविजुअल कट ऑफ, एक होता है ओवरऑल कट ऑफ। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 25% इंडिविजुअल था, तो 75 मैथ्स में और 150 जीएटी में मिनिमम तो चाहिए ही थे, और ओवरऑल में लगभग हो सकता है, पर जिन बच्चों के यहां से रिजल्ट्स आए उनसे जो बात हुई उनके हिसाब से मुझे लगता है कि 320 के आसपास जा सकता है, 320 से 330 के बीच में। और दूसरा, ये स्कोर आपका होना चाहिए था, यानी दो चीजें थी यहां पर। अब जब आप कॉपी चेक करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर भी जब हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते थे संडे टेस्ट, और यहां पर ओएमआर स्कैनर से ही बच्चों की कॉपी चेक होती थी, तो कई बच्चे बिल्कुल सही करते थे पर ओएमआर स्कैनिंग ओएमआर शीट मार्किंग गलत कर देते थे, कई बार ओएमआर में रोल नंबर प्रॉपर नहीं लिखते थे, कई बार ओवरडार्किंग ऊपर नीचे हो जाती थी, कई बार ऐसा भी होता है। तो हो सकता है आपका स्कोर आपने कैलकुलेट किया 350, पर आपकी कोई भी मिस्टेक से हो सकता है 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो गए। और दूसरा, जो हम आंसर चेक करते हैं और ऑफिशियल आंसर की में कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो ऐसे में अगर आपके थोड़े भी आगे पीछे हो गए तो हो सकता है आपका स्कोर ना आया पाया हो। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है, पर नाम नहीं आने का मतलब है कि तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर वन, इंडिविजुअल कट ऑफ में कहीं एक में रह गए होंगे, एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी, और अगर मान लीजिए 30% के आसपास गया होगा कट ऑफ मान लीजिए, तो इसका मतलब है मैथ्स में लगभग 90 नंबर होना चाहिए आपके और जीएटी में 180 होना चाहिए, और ये इस अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं, प्लस माइनस हो सकता है। तो नंबर वन पॉसिबिलिटी की हो सकता है कि आपका मैथ्स या जीएटी में किसी एक में स्कोर कम है, या इन दोनों में कट ऑफ होने के बाद भी, कुछ बच्चों ने अभी मुझे फोन करके ये भी पूछा, इसीलिए मैं ये सेशन ले रहा हूं कि सर हमारे कट ऑफ से तो ऊपर नंबर थे, पर उन्होंने, मैंने फिर पूछा एग्रीगेट कितने थे, तो उन्होंने कहा सर 310 305। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके कट ऑफ से ऊपर हो दोनों के, क्योंकि कट ऑफ को देखें तो 225 होता है। अब आपके नंबर अगर 300 भी पर ओवरऑल कट ऑफ से कम हो गए तो भी हो सकता है बाई चांस आपका कॉल नहीं आया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, ओएमआर शीट फिलिंग में आपसे हो सकता है कोई स्मॉल मिस्टेक हुई हो, आंसर्स ऊपर नीचे होगा, ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा अक्सर होता है कई बच्चों के साथ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब यहां पर आप टेस्ट देते हैं, जब बच्चों से मैं लेता हूं, तो हमेशा एक बात बोलता हूं कि यहां के हर टेस्ट को ये मान के चलो कि ये फाइनल टेस्ट है, उससे फाइनल टेस्ट में ये सारी मिस्टेक नहीं होगी। तो मे बी कि इस तरह की कोई अगर आपसे मिस्टेक हुई हो तो ये हो सकता है, तो भी मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा कि अगर
आपका बाई चांस किसी रीजन से कॉल नहीं आया तो निराश होने की जगह फिर से डबल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करना चाहिए, ना कि रुक के बैठ जाना चाहिए निराश होके, क्योंकि देखिए आपको भी पता है लगभग 2.5 से 3 लाख लोग अपेयर बच्चे होते हैं और उसमें केवल 7,000 बच्चों का कॉल आता है, सिलेक्शन रेट वैसे भी कम है, तो इसलिए ऐसे में हमें ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो 7,000 बच्चों को लेते हैं, तो आप उन 7,000 में अगर आपका नाम नहीं है डजंट मीन कि आप एलिजिबल नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है, टैलेंट की कमी है, बस इतना समझ लीजिए कि उन 7,000 से थोड़ी सी आपकी प्रिपरेशन कम है, इमीडिएटली एक्शन लीजिए। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि इंपिटस गुरुकुल के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर बैच के साथ इतने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए थे तो उन सभी ऑनलाइन वाले बच्चों की एक चीज थी कि सर किसी तरह ऐसा भी हो कि हम लाइव क्लास के साथ मैथ्स फिजिक्स जीएटी जीएस इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ पाए, तो अच्छी बात यह है कि NDA-1 के साथ आप सभी को लाइव क्लासेस भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, इनफैक्ट आप लोग देखने भी लगे, ये खुशी की बात है। और कुछ चीजें जो लाइव क्लास में सजेशन आए थे वो भी हमने इमीडिएटली एक्शन लिए, क्योंकि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे उन्होंने बोला सर सुबह लाइव क्लास नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने इवनिंग टाइम में लाइव क्लासेस कर दिए, तो वो स्टार्ट होती है 2:30, उसका वीकली शेड्यूल मिलेगा आपको, 2:30 पे हो सकती है क्लास, 4:30 पे और 6:30 पे, कभी कभी ये थ्री क्लास लाइव मिलेंगी, कभी 2 क्लास, कभी 1, वो वीकली शेड्यूल मिलेगा। और इन सब के लिए आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ, ओल्ड स्टूडेंट को भी बता रहा हूँ कि आपको अपना जाके रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए impetusgurukul.com पे, वहां पर एक रेड कलर का लाइव करके दिखेगा बटन, वहां पर क्लिक करिएगा आप, वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाइव वीडियो क्लासेस पर आप पहुंच जाएंगे, वहां पर हमारे कोर्सेज है, उसमें एक NDA है, एक IIT है, एक MCA है, एक ऐसे CDS, इस तरह के कोर्सेज हैं, तो आप अपने NDA कोर्सेज पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करिए जिससे आप लाइव क्लासेस देख सकें, या डायरेक्टली आप लाइव impetusgurukul.com पे जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप एंड्रॉइड फोन पर जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, इमीडिएटली एक्शन लीजिए। इनफैक्ट मैं तो उनको भी बोलूंगा जिनका NDA-2 का रिजल्ट निकल गया है, उनको भी SSB के साथ NDA फिर से देना है अगर वो एलिजिबल है, NDA के लिए कभी भी नहीं रुकना है, क्योंकि एक रियलिस्टिक फैक्ट है कि पहले 2.5 से 3 लाख लोगों में 7,000 और फिर इन 7,000 में से 350 के आसपास बच्चे फाइनली सिलेक्ट होते हैं, यानी अगर हम रियलिस्टिक डेटा को स्कोर करते हुए चले, समझ के चले, तो हमें कभी निराश नहीं होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इंपिटस ने अपने आप में इस बार रिकॉर्ड रिजल्ट दिया है, more than 25% रिजल्ट है, एक बार पूरा आ जाएगा मुझे लगता है 35-40% तक रिजल्ट हो सकता है क्लास के बच्चों का, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इस चीज को समझिए। इसलिए मैं आपको बोलूंगा इमीडिएटली एक्शन लीजिए, या तो आप इमीडिएटली क्लासरूम कोर्स के लिए आइए भोपाल अगर आ सकते हैं, और नहीं आ सकते तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इमीडिएटली लाइव क्लास से जुड़िए, पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लीजिए, रुकना नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, चीजें समझनी पड़ेंगी कि किस ढंग से करते हैं। यहाँ पर बच्चों के रिजल्ट के कारण ये भी है क्योंकि क्लासेस ड्यूरेशंस अच्छी होती है, दिन भर बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप करते हैं, वीकली टेस्ट होता है, ऑफ कभी भी नहीं होता है, इवन इस बार दिवाली पे भी ऑफ नहीं था, दिवाली के दिन भी बच्चों ने टेस्ट दिया था, जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके 15 अगस्त को भी यहाँ पे सेशन हुआ था, वो सेशन भी मैंने शेयर किया था बच्चों के, आप देखेंगे उन्हीं बच्चों के सिलेक्शन की फोटोग्राफ और उनके 4 महीने पहले के आप मैसेज भी सुन पाएंगे। तो आप एक बार फिर से मैं सेशन एंड करना चाहूंगा क्योंकि बच्चे कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात कर सकूं। ये बेसिक मैसेज देना था नंबर 1 कि एक बार बहुत बहुत आपको बधाई, और अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा तो तुरंत upsc.gov.in पे यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर क्लिक करिए, नाम और रोल नंबर दोनों के साथ रिजल्ट दिया, अपना रिजल्ट चेक करिए और अपने आगे की पढ़ाई के लिए इमीडिएटली एक्शन लीजिए। जो सारे बच्चे इंपिटस गुरुकुल के ऑनलाइन वाले हैं वो भी इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करें, और आगे क्या करना है मैं बताऊंगा, उसके भी सेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। SSB के लिए किस ढंग से अपने आप को फोकस करना है वो एक माइंडसेट करना है, और साथ में अगर NDA-1 के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी अपनी तैयारी करना है। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस।